दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट सिविल इंजीनियरिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं। दोस्तों सीमेंट की कंसिस्टेंसी टेस्ट से हमें पता चलता है कि सीमेंट में कितना परसेंट पानी एड करने पर हमारा सीमेंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। दोस्तों सीमेंट की इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम डिपेंड करता है कि हम कितना परसेंट पानी सीमेंट में एड कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको सीमेंट का एक्सपायरी डेट चेक करना है। दोस्तों सीमेंट बैग में सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ रहता है और आईएस कोड कहता है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने के बीच में ही यूज हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों यह है सीमेंट बैग और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिसे चेक किए बिना आपको सीमेंट कभी भी यूज नहीं करना है, चाहे आप घर बनवा रहे हो या साइट पे यूज करवा रहे हो या कोई कंस्ट्रक्शन में या इंजीनियरिंग में कहीं भी यूज कर रहे हो। इसको चेक किए बिना सीमेंट को आपको कभी यूज नहीं करना है। दोस्तों सीमेंट बैग में आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना है। तो जैसा कि आप बैग में देख रहे हैं, ये जो 9 आप देख रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये 32 जो आप देख रहे हैं ये वीक नंबर, और 8 जो देख रहे हैं ये है मंथ, और 23 क्या है ईयर है। यानी कि ये इस बैग की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 9 अगस्त 2023। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो 32 देख रहे हैं ये वीक नंबर, ये वीक नंबर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि एक मंथ में कितना वीक होता है, 4 वीक, और अभी कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है, यानी कि 8वां महीना चल रहा है, यानी कि 8 × 4 यानी कि 32, यानी कि ये जो हमारा सीमेंट है ये 32 वीक का है और आज हम जो टेस्ट कर रहे हैं ये 32 वीक का ही कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको मैच करके देखना है मैन्युफैक्चरिंग डेट और वीक नंबर जो भी प्रेजेंट में चल रहा है वो है कि नहीं। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो आईएस टैग, आपको बैग में देखना है कि आईएस टैग लगा हुआ है या नहीं, और साथ में ये भी देखना है कि ये सीमेंट पीपीसी है या ओपीसी है। तो ये सारे पॉइंट्स चेक करके उसके बाद ही आपको सीमेंट का बैग खोलना है और आगे टेस्ट के लिए परफॉर्म करना है। तो चलिए अब मैं आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी फाइंड करके बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं, इस वीडियो में पूरी प्रोसीजर बताता हूँ। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड करते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या होती है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीजें चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सीमेंट का कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए आपको चाहिए एक विकेट ऑपरेटर, एक मेजरिंग ट्यूब, वेइंग मशीन, एक वॉच टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट 3 से 5 मिनट के बीच में ही परफॉर्म करना है। आईएस कोड का कहना है कि ये टेस्ट 3 से 5 मिनट के बीच में परफॉर्म हो जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले 300 ग्राम सीमेंट वेट करना है और 25 से 35% वाटर ऐड करना है। यानी कि अगर हम 300 ग्राम सीमेंट ले रहे हैं तो 300 ग्राम का 25% कितना होगा, 75 ग्राम, इसमें 75 ग्राम वाटर ऐड करना है। तो चलिए अब मैं इसमें वाटर ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पर 25% ना लेकर के यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 32%। 32% कितना होगा, 96 ग्राम। दोस्तों 32% इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर डेली टेस्ट परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे पता है कि ये सीमेंट जो है वो अल्ट्राटेक है और पीपीसी है, तो यहाँ पर लगभग 32 से 33% के बीच में आ जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर 32% वाटर ऐड कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। दोस्तों वाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छा से 2 से 3 मिनट तक लगभग इसको अच्छा से मिक्स करना है। कोई वॉइड्स नहीं रहना चाहिए इसमें, कोई लम्स नहीं बनना चाहिए, ये प्रॉपर मिक्सिंग इसमें होनी चाहिए, पूरा पेस्ट बना देना है दोनों को मिक्स करके। दोस्तों जब तक वो मिक्स कर रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि सीमेंट में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। दोस्तों सीमेंट का एक तो होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, एक होता है फाइनेस टेस्ट यानी कि सीमेंट कितना फाइन है उसको हम टेस्ट करते हैं, एक होता है सेटिंग टाइम टेस्ट यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हम सीमेंट का निकालते हैं वो कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद परफॉर्म किया जाता है, एक होता है स्ट्रेंथ टेस्ट। दोस्तों जितना परसेंट पानी हम ऐड कर रहे हैं उसी के हिसाब से एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको यूज करके उसके बाद इसका क्यूब भरा जाता है, ठीक है, क्यूब भरने के बाद इसका 3 डेज 7 डेज एंड 28 डेज में टेस्ट किया जाता है क्यूब का, उसका स्ट्रेंथ फाइंड किया जाता है। एक तो होता है साउंडनेस टेस्ट, एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, एक होता है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। दोस्तों इन सारे टेस्ट में अगर आपको किसी भी टेस्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, ठीक है, मैं आपको इस टेस्ट का वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सीमेंट और वाटर की जो मिक्सिंग कर रहे थे, ठीक है, उसका पेस्ट मेरे पास रेडी हो गया। अब इसको क्या करना है कि जो बिकेट का जो मोल्ड है, ठीक है, उसमें इसको अच्छा से भर कर इसको थोड़ा थोड़ा सेक करना है, ठीक है, ताकि इसको इसके चारों साइड पूरा ये जो सीमेंट का जो पेस्ट है वो प्रॉपर फिल हो जाए। उसके बाद करना है कि इस मोल्ड को बिकेट अपरेटस में लगा देना है और बिकेट अपरेटस में 10 mm डायमीटर और 50 mm लेंथ का एक प्लंजर लगाना है, ठीक है, इसको लगा के ऊपर से इसको सिर्फ छोड़ देना है, ठीक है, बाकी ये सेल्फ वेट से ही नीचे आएगा। दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग आ रहा है वो लगभग 17 mm आ रहा है, ठीक है, लेकिन आईएस कोड कहता है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट तभी पास है जब इसकी रीडिंग जो बॉटम से आप देख रहे हो, ठीक है, 5 से 7 mm के बीच में ही रहना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, अभी आपने इस टेस्ट में मैंने क्या किया था, 32% वाटर एड किया था, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है कि वाटर का रेशियो बढ़ा देना है। अब क्या करेंगे, 33% वाटर एड करके सेम प्रोसेस पूरा अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर लगाएंगे, फिर देखना आपकी जब तक 5 से 7 mm के बीच में ना आ जाए तब तक ये टेस्ट परफॉर्म करते ही रहना है। वाटर की जो मैक्सिमम इंक्रीजिंग कैपेसिटी है वो 35%, मैं आपको बताऊं
हो, ठीक है, पहले वीडियो में बता दिया हूँ। वाटर लेना है 25 से 35% के बीच में ही लेना है। जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का टेस्ट था वो यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, मैं तुरंत इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में।